पहले गुरु वंदना करता हूं और उसके बाद फिर भगवती की स्तुति करूंगा। भी बोल सकते मेरे साथ, ओम से जरा अच्छा हो जाता है। विज्ञान परां ताम देवी प्रणमामि
विद्युत जननी स्वर्गापवर्ग प्रदानी। भगवती जगदम्बा स्वर्ग अपवर्ग इन सब में मोक्ष तक ले जाने वाली है। संसार में आपको स्वस्थ रखते हुए, इस मंत्र का अर्थ है स्वस्थ रखते हुए, प्रसन्न रखते हुए, दूसरों की निंदा स्तुति से बचाते हुए, केवल सुबह शाम प्रातः काल उठो, जिस धरती पे आप हो उसको प्रणाम करो, इसके बाद घर में या अपने बेडरूम में भगवान हो उनको प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो, अपने माता पिता को प्रणाम करो। ये मंत्र देवी भागवत का मंत्र ये कह रहा है, अपने सबको प्रणाम करके दसों दिशाओं को प्रणाम करो, घूम जाओ, फिर अपने बिस्तर से उठो और फिर पानी पियो, उषा पान करो, ये नहीं कि चाय पियो गरम, रात को सोके उठे तो अब जो आदत आपकी वो करो, लेकिन जो विधान मंत्र कह रहा है पानी पियो, फिर अपना मल मूत्र विसर्जन करो, स्नान करो, संध्या वंदन करो, ध्यान करो, ध्यान ध्यायते पुषो विषयान पुंसा। अगर आप विषयों से छूटना चाहते हो, संसार के बहुत जाल से छूटना चाहते हो, तो 5 मिनट स्नान करके अपने सूर्य को जल दे करके, सूर्य के जल देने के लिए भी मंत्र कह रहा है, ताम देवी प्रणमामि भगवती बता रही है, सूर्य को जब जल दीजिए आप तो पूरब की ओर मुख करते हुए, तो सूर्य का जल ऐसे दीजिए कि सूर्य को आप जल के माध्यम से देखिए, अगर सूर्य निकला है, ये नहीं कि लोटा नीचे ऊपर सूर्य को देख रहे हैं आप, देखिए सूर्य को नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए हमारे यहां सूर्य को आप 3 मंत्र बोल लो, जो सूर्य आपको सारी एनर्जी सारे फलों को पका रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो सूर्य को प्रथम देवता जो नमस्कार करना चाहिए आपको, सूर्याय नमः, दिवाकराय नमः, भास्कराय नमः। यह जिनको गायत्री मंत्र आता है वो गायत्री मंत्र बोल करके भी दे सकते हैं, गायत्री मंत्र में भी सारी व्याहृतियां हैं। तो सूर्य को जल देने के बाद फिर भगवान के मंदिर में आसन बिछा हो तो 5 मिनट का उसमें कोई प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं, बैठ जाओ, आप इसका क्या प्लान है, क्या ले जाना है, क्या करना है, सुबह जितनी चंचल मन होता है ना, 5 मिनट अपने मन को यहां गुरु को कहां बैठाना है, यहां हृदय में इष्ट को बैठाना है, ये बहुत बहुत आपको गोपनीय तत्व बता रहा हूं, ये संन्यास परंपरा का जो दीक्षित उसी को बताते हैं, लेकिन मन में आकर तुमने बता दिया, लेकिन यह गोपनीय है। तो जीवन में ये करते हुए अब आप देखिए, मैंने कल आपको क्या कहा था, इसमें कितने अध्याय हैं बोलो, 81 और कितने मंत्र हैं, 54,000, तो कितने हो गए, 5, 4, 9 मैंने बताया था ना, 8, 1, 9 और 9 और +9 कितने होते हैं, 9 प्लस माइनस नहीं कर रहा हूं, 9 प्लस 9 कितना हुआ, 18। माता जी के 18 हाथ है, अष्टभुजा भी है, 4 भुजा भी है, 10 भुजा भी है, लेकिन जो प्राकट जगदम्बा का है वो 18 भुजा का है और सिंह पर सवार है। आपने कभी सिंह के बारे में जाना है, सिंह के कितने नाखून होते हैं आपने तो देखे नहीं होंगे, चिड़िया अगर गए होंगे सिंह को देखा होगा, आपको मालूम है 18, 4 आगे की तरफ होते, 4, 4 और 5, 5 पीछे की तरफ होते, कितने हो गए 18। वो पाघंबरी नहीं है, सिंह वाहन है,
लोगों ने एक बाघ हम बाघ जैसे होता ना बाघ के ऊपर बैठा दिया, वो अलग अलग कल्पना है आर्टिस्टों की, लेकिन ये देवी भागवत कह रही है वो कितनी है 18 भुजाधारी है और विराट स्वरूप है जिसकी स्तुति ब्रह्मा विष्णु महेश सदाशिव कर रहे हैं कि प्रभु भगवती इस संसार में दुख है, इस संसार में भौजाल है, लोग भ्रम हैं उसमें जी रहे हैं, आप ही जगन माता हैं, आप कृपा कीजिए, आप प्रकट होइए और इस संसार का उद्धार कीजिए। क्या किससे कह रहे हैं? सारे ऋषि मुनि महात्मा और सब ऋषिगण और ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी स्तुति कर रहे हैं? जगदम्बा की। मैं वो स्तुति भी सुनाऊंगा आपको। तो ऐसे सिंह बहाना वो है, इसलिए सिंह को आपने वेद का अनुवाद हो गया स्वामी जी गंगे परम पूज परा 1008 आचार्य महामंडलेश्वर मंडलेश्वर में परिव्राज का आचार्य स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज ने अनुवाद किया है। दुर्लभ अनुवाद है, अगर अनुवाद भी पढ़ ले कोई तो उसमें ये विवेचना की है जगदम्बा की भी ऋग्वेद के 18वीं बल्ली में, 18वीं बल्ली का मतलब 18वें चैप्टर में वहां कहा है सिंगो विपत्ति भंजिका, सिंह आपकी आप चिड़िया घर में देख लें या टेलीविजन खोला और सिंह दहाड़ता हुआ आ गया तो सोच लो आज कोई आपत्ति आने वाली थी वो गई। सिंहो ये हम ही बोल रहे हैं, सर्वानंद की बात नहीं है, सिंहो विपत्ति भंजिका, आपत्ति को नष्ट होगी आपकी। और अगर स्वप्न में सिंह दिख जाए तो कुछ आपके शत्रु आपके प्रति षड्यंत्र कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह से आपको डाउनफॉल आपको नीचे लाना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे? तो वो अगर स्वप्न में सिंह ने दिखाई दिया तो वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे, आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता है स्वप्ने। और स्वप्न में अगर उसने आपको बाइट कर लिया, अगर आपको पकड़ लिया, तो आपकी कोई क्रॉनिक बीमारी आने वाली थी, कैंसर जैसी कई तरह की और बीमारियां होती हैं, वो नष्ट हो गई। और सिंह की अगर धार सुन ली आपने स्वप्न में, वैसे भी सुन ली, तो सब तरह विजय विजय है महाराज। इस तरह से भगवती ये प्रकट करती। इस पुराण के आदि वक्ता, अब आप सुन लीजिए, इस पुराण के आदि वक्ता कौन है? सदाशिव। पहले वक्ता कौन है? भगवान महेश नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सदाशिव जो निराकार है, सच्चिदानंद स्वरूप है, परब्रह्म है। सच्चिदानंद जानते सद चिद आनंद स्वरूप है जिनका, वो सदाशिव। आपके अंदर हृदय में वो सदाशिव विराजमान, ध्यान आपने किया, ओम बोला, ओम में वही सदाशिव है। और श्रोता कौन है? देवर्षि नारद, देवताओं में सब जगह जिनका प्रवेश है, ब्रह्मा के यहां भी चले जाएंगे, विष्णु के यहां भी चले जाएंगे, शिव के यहां भी चले जाएंगे, सदाशिव के श्रोता कौन है? नारद है। फिर यही बात है सौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य में सूत जी से कही कि प्रभु इस संसार में हम कुछ ऐसा करते नहीं है लेकिन फिर भी पाप ताप संताप लगते रहते हैं, इसके लिए कोई लघु उपाय है? तो कहा तुम देवी देवी भागवत का पाठ करो या कराओ। कई कई लोग बहुत परेशान होते हैं, हम ये अच्छा आप अगर ज्योतिषी के पास चले जाओगे तो वो देवी भागवत नहीं बताएगा, तो स्वामी सुग्रीवानंद जी ने आपको देवी भागवत बताया। ज्योतिषी कहेगा पितर दोष है, फिर कहे काल सर्प दोष है, फिर मूल दोष है, इसके सब निवारण कराओ, क्योंकि उसको अपने को उसमें पूजा पाठ पे पैसा जो मिलेगा। तो ज्योतिष एक शास्त्र है लेकिन उसको पढ़े बिना आदमी, आपको मालूम है अथर्ववेद कहता है कि ज्योतिष और आयुर्वेद
दोनों पर कोई पैसा नहीं दे सकता है। आयुर्वेद की दवाओं पर भी कोई पैसा देता है तो वो आयुर्वेद का जो 100% असर होना चाहिए वो 0.1% होगा। ज्योतिष में जो पैसा लेता है वो 0.1% होगा। हम एकदम जीरो कर देंगे तो भी खराब लगेगा, लेकिन शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो हम गुमराह कहां हैं? हम अभी हमने सप्त श्लोकी बोला, देवी भागवत का संक्षेप 7 मंत्र हैं ये जो मैंने पहले बोले। अगर इतना ही वो 30 साल पहले वाला परिवार आज बिलीनियर हो गया तो मैंने कि किसके कारण हुए तुम 25-30 साल बाद उससे मिल रहे हो? बोले आपका दिया हुआ वो सप्त श्लोकी मैंने सुनाओ सुनाया, पति पत्नी दोनों ने, उसका बेटे के बेटा भी हो गया। मैंने कहा तुम इतना भूल गए कि अपने बेटी की शादी में कार्ड भी नहीं भेजा? कोई वो नहीं बोले स्वामी जी बस अब गलती हो गई। देखिए संसार में आदमी गलती करता है फिर कहता हम तो संसार के आदमी हैं, आप महापुरुष हैं। मैंने हाँ भी ठीक है, हम भी स्वीकार करते हैं। सप्त श्लोकी आपके 7 दिनों को उद्धार करती है। हमारी यही न्यूयॉर्क की एक बेटी है, हर एक के जीवन में संघर्ष कठिनाइयां आती हैं। उसने मैंने कहा बेटा अंदर से मेरी माँ तुम भगवती स्वरूपा हो, तुम्हारे चरण छूता हूं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः, तुम शक्ति स्वरूपा हो। तो सन्यासी अगर तुमको प्रणाम कर रहा है तुम सन्यासी को प्रणाम कर लो ठीक है, लेकिन सन्यासी प्रणाम कर रहा तो तुमको विद्या समस्तास्तव देवी वेदा, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, ये देवी भागवत कह रही है। विद्या समस्ता संपूर्ण विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है भगवती जगदम्बा, जो आपकी बुद्धि को ऊपर ले जाती है, आपकी बुद्धि को शांति रखती है, आपकी बुद्धि में स्मरण शक्ति बढ़ती है। विद्या समस्तास्तव देवी वेदा, स्त्रिया समस्तास्त संपूर्ण स्त्रियों में मुझे देखो, ये क्या करें देवी भागवत, पत्नी को छोड़ करके संपूर्ण जगत में जो स्त्रियां हैं चाहे बेटी है चाहे बहू है चाहे कोई है उनमें मेरा ही रूप देखो। रामकृष्ण परमहंस तो एकदम मां शाप्ती पत्नी में भी देखते थे, मां शारदा में। तो आज रामकृष्ण परमहंस की शक्तिपात से विवेकानंद ने कितना कमाल कर दिया, एक गुरु ने शक्तिपात केवल हाथ रख दिया। तो गुरु की शक्तिपात, गुरु की कृपा, गुरु कृपैव केवलम। रामकृष्ण परमहंस वो तादात्म था उनका कि उनके स्तनों में भी दूध आने लगा था, उनकी वाणी में स्त्रीत्व आ गया था। मां शारदा जानती थी ये भगवती में तादात्म हो गए। हम भक्ति तो करते हैं अपने थोड़ा सा संसार को दिखाने के लिए कि घर में कुछ भक्ति हो रही, बच्चे भी इससे बदल जाएंगे। वैसे लोग तुम भक्ति तो कर रहे हो, बोले स्वामी इसलिए करना पड़ता है कि बच्चे भी थोड़ा सीख जाएं। मैंने कहा ठीक है, हृदय से अगर भक्ति करो, हृदय में अहो भाव, भागवत कह रही अहो भाव, मैं नहीं कह रहे, नारद कह रहे, किसको सौंक आदि ऋषियों को सूची कह रहे कि जिस दिन तुम्हारे अंदर अहोभाव प्रकट हो जाएगा, अहोभाव माने एकाग्र, अहोभाव माने एकाग्रता, आका जैसे गाय का बछड़ा जब भूखा होता तो मां कैसे बोलता हूं। जानवरों में गाय को साक्षात मां का अवतार कहा है, इसलिए गाय के मां को क्यों कहा यहां भागवत कह रही स्वर्णकाद, मैं नहीं कह रहा, स्वर्णकाद ऋषि कह रहे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप सर्वदेवमयी परमेश्वरी का स्मरण करने और जानवरों में, जानवर ही उन पशुओं में आए हो तो
गाय बहुत पवित्र है और उसका बछड़ा, इसलिए गाय को श्रीमद् भागवत देवी भागवत दोनों कहती है बत्सम लादी इति बत्सला। हमें कुछ संस्कृत तो बोलनी पड़ेगी, फिर व्याख्या कर देता हूं आपको, ऐसे तो नहीं कि मैं ऐसे चला जाऊं। तो जो अपनी जीव से चाट करके खड़ा कर दे, जिह्वा जानते ना, मनुष्य का बच्चा पैदा होता तो नट साफ करती, बोलो। लेकिन गाय का जब बछड़ा होता कितनी जेर में, आपने कभी नहीं देखा गुब्बारे से निकलता है, मैंने तो देखा गौशाला अपने पास है। और इसके बाद वो उसको चाटती है, मिट्टी लग जाती है, भूसा लग जाता है, सब कुछ चाट चाट करके उसको खड़ा कर देती है। एक घंटे बाद खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद अब वो अपने थनों को अपने दूध पिलाने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाती है। ये है मां बत्सम लाती इति बत्सला यस्या सा गौ। ये तो मां आपको मालूम है जिन घरों में 50 साल पहले, अब तो हम यहां पर भी, यहां भी बच्चे बहुत माता पिता भक्त हैं, बहुत भक्त हैं, आंसू आ जाते हैं मेरे को। कुछ बच्चे ऐसे हैं, हम तो 50 साल से अमेरिका का भ्रमण कर रहा हूं, हमको यहाँ की गवर्नमेंट ने ग्रीन कार्ड दिया, वो दिया, सब मैंने विसर्जित कर दिया, मुझे रहने नहीं। अभी इस आदमी ने, मैंने कहा तुम ही बनाओ, सर्वानंदा नाम रख लो, सर्वानंद भगवान का नाम है, मेरा थोड़ा है, हमें तो आना होगा 9-10 दिन। लिखा सन्यासी भी लिखा, लिखा सन्यासी के लिए, मालूम क्या लिखा, पर ग्रहे सुखी सर्पवत, चूहे बिल बनाते हैं, बड़े गहरे गहरे बिल बनाते हैं, और उसमें नागराज प्रवेश कर जाते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक गर्मी है फिर निकल आते हैं। ठीक है, उन्होंने घर नहीं बनाया ना, सर्प कभी घर नहीं बनाता है, भूत बनाता है, बताओ, ये तो आप पुराने लोग हो, बनाता है। तो सन्यासी ने कहा पर गरे सुखी सर्प बत, जाओ उसे लगाओ मत, आश्रम में रहो, आश्रम का लगाओ मत रखो। परम पूज्य सुग्रीवानंद जी महाराज, गंगेश्वरानंद जी महाराज, हमने ऐसे ऐसे महापुरुषों का दर्शन किया। अब मैं इस समय 75+ चल रहा हूं, सोचिए आप इन सबका बचपन से दर्शन, मेरे माँ बाप की कृपा थी, उन्होंने कराया, अगर माँ बाप की कृपा नहीं होती तो होता, संत दर्शन नहीं होता तो फिल्म दर्शन होता, फिर इसके बाद संस्कार और ही कुछ होते, बनारस गए कुछ और फिर इसके बाद जीवन अलग है। इसलिए हमारे यहां कल एक शब्द रह गया था, मातृ देवो भव, शास्त्र कह रहा है, दूसरा ऋग्वेद क्या है, मातृ देवो भव, फिर क्या है अथर्वेद, क्यों कतुर्य साहब, अथर्वेद वो पितृदेवो भव, बोलो डॉक्टर गोयल, दूसरा वही है, और तीसरा, तीसरा वेद क्या है, यजुर्वेद, आयु, आयु ठीक रहे, तो आपके यहां आदित्य देवो भव, जो कोई आ जाए भैया उससे गुड़ ना दो, गुड़ जैसी बात तो कर दो, मीठी बात तो कर दो, आपका कोई देने देना, कैसे हैं भैया, ठीक है ना, परिवार ठीक है, आपके बच्चे ठीक हैं, आप 25-30 साल बाद मिले तो हम ये थोड़ा कहा कि सिखवा शिकायत, अरे बेटा तुम ठीक हो, बढ़ गए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा मुझे सुन करके, ये भगवान की कृपा है। आदित्य देवो, और फिर सामवेद, चौथा क्या है, सामवेद, बोल सकते, सामवेद का मतलब है आप मंत्रों को भी, जैसे स्तुति को भी अहो भाव में, जल्दी नहीं, जय हनुमान, जय मोहन, जय कविता, बस करना है, टाइम पास करना है, कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं? आपको अगर ऐसे हम आपके ऑफिस में जाओ ऐसे बोले आप समझोगे?
अरे यही आते हैं ना एयरपोर्ट पर, इमीग्रेशन के सामने लाइन में लगे होते हैं, तो मैं देखता हूँ, मैं शायद हम भी लगते हैं, तो मैं मेरे सामने जो कोई लगा हुआ थे, एक पूरा परिवार था, उसने आधा घंटा लगा दिया उसको। मैंने कहा ये तो सुबह सुबह इसका मूड खराब है और इसकी लाइन में मैं भी खड़ा हूँ, क्या होगा हुआ। मैंने कहा माता जी आप जानो, मैं तो देवी भागवत करने जा रहा हूँ। मैंने ये सब जी कहा, अंदर तो जब चल ही रहा था, आप था जो उसको आधा पौन घंटा बहस की, फिर उसके बाद जाने नहीं दिया, इधर हो जाओ, फिर दूसरा कोई आ गया बुला दिया उसको, फिर ले गए वो। अब हमारा नंबर है, हम गए, उसके पासपोर्ट फिर सीधा उसमें लगाया अपने कंप्यूटर में, बोले आप क्या रहा कर ऐसे भेज तो कैमरे में गए, हैव ए नाइस डे, गुड डे। मैंने कहा देखो क्या लीला है, अभी भगवती दिखा रही है कि देखो ऐसा ऐसा भी समझ जाता है, लेकिन जिसके अहो भाव में, अभी मेरे को अभी भाव कहा जाते उधर आ जाता है। उस दिन हम लोग श्रृंगार कर रहे थे, हम सब के आंसू आ रहे थे, माता जी का श्रृंगार हो रहा था, वो बेटी प्रीति कर रही थी। तो आपकी विषम परिस्थितियां भी ऐसे चुटकियों में ऐसे हो जाती हैं, ऐसे कि ऐसा ये ही चमत्कार है, गुरु राज्ञा भवेत शक्ति। इसलिए गुरु की आराधना शक्ति के बिना नहीं होती है। तो महाराज इस तरह से भगवती जगदम्बा सौनकादि ऋषियों से जब उन्होंने प्रार्थना की,